अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड साउंड एट योर होम। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ माई क्लास आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू टू किड्स फाउंडेशन स्कूल विजुअल लर्निंग क्लास। यू नो इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन वी ऑल आर एट अवर होम्स, बट एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। दैट्स वाई आई एम हेयर टू गाइड यू। सो ओपन योर साइंस बुक्स स्टूडेंट्स, ओवर टूडेज टॉपिक इज वाटर साइकिल। The water cycle is the process of water changing into water vapor, clouds, and then falling back to the earth as rain is called water cycle. The sun heats up the water from lakes, oceans, rivers, and changes it into water vapor by the process of evaporation. When the water vapor rises up into the air, it starts cooling down and forms into droplets. These water droplets come together to form clouds. When the clouds start getting heavy and cannot hold the water droplets anymore, they fall back on the earth in the form of rain. The rainwater flows back to rivers, seas, and ponds. This water gets heated by the sun again and forms water vapor. So, this way the water cycle continues in nature. This is called the process of water cycle. Now let's read water cycle. In nature, water changes its form. The sun heats up the water in seas, rivers, lakes, and ponds. This water changes into water vapor. Water vapor rises up in the sky. As water vapor rises high, it cools down and forms tiny droplets of water. These droplets of water form clouds. Inside clouds, tiny droplets join together to form big drops. When big drops become so heavy that the clouds cannot hold them, they fall back on the earth in the form of rain. जैसे कि हम सब जानते हैं कि वाटर अपनी शेप अपनी फॉर्म चेंज कर सकता है, तो जब सीज का वाटर पॉन्ड्स का रिवर्स में जो पानी होता है वो सूरज की रोशनी की वजह से, सूरज की हीट की वजह से वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। वाटर वेपर वो आसमान में चले जाते हैं और आसमान में वो बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन जब बादल में ड्रॉपलेट्स मीन्स पानी के कतरे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि बादल उन्हें होल्ड नहीं कर सकते, तो फिर वो बारिश की सूरत में पानी वापस हमारी ज़मीन तक आ जाता है और फिर वो पानी दोबारा से सीज में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में चला जाता है और अगेन से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम वाटर साइकिल कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल। दिस रेन वाटर फ्लोज बैक टू द सीज, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। अगेन दिस वाटर गेट्स हीटेड बाय द सन एंड फॉर्म वाटर वेपर। वाटर वेपर गोज इन टू द एयर एंड फॉर्म्स क्लाउड्स। दिस वे द वाटर साइकिल कंटिन्यूज इन नेचर। इस तरह से कुदरती तौर पर ये प्रोसेस चलता रहता है जिसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ वाटर साइकिल? द साइकिल ऑफ वाटर फॉर्मिंग वाटर वेपर क्लाउड्स एंड देन फॉलिंग बैक ऑन द अर्थ एज रेन इज कॉल्ड वाटर साइकिल। अंडरस्टैंड? लेट्स मेमोराइज। रेन वाटर, द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम रेन इज कॉल्ड रेन वाटर। वो पानी जो हम बारिश से हासिल करते हैं उसे रेन वाटर कहते हैं, मीन्स बारिश का पानी। स्टीम, the water vapor formed on boiling of water is called steam. जब हम water को boil कर रहे होते हैं, means water जब heat up हो जाता है तो वो water vapor बन के गैस की शक्ल इख्तियार करके हवा की तरफ जाने लगता है, उसको steam बोलते हैं। Water cycle, the cycle of water changing into water vapor, clouds and then falling back to the earth as rain is called water cycle. I have already defined it in detail. Now move to page number 93. Let's revise. All of us need water to live. We get water from rain. हम सबको जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है जो हम बारिश से हासिल करते हैं। We should always drink clean water. We should not waste water. हमें साफ पानी पीना चाहिए और पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। Water changes its form from one to another. पानी अपनी शेप अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है। द थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर आर वाटर वेपर, वाटर एंड आइस। पानी की जो तीन हालतें हैं वो वाटर वेपर मीन्स आबी बुखारात,
पानी और बर्फ है। सो ओवर टुडेज़ लेसन इज डन, होप यू विल अंडरस्टैंड इट। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन विद एन एक्साइटिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।